नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। और अब हमारे साथ एक चुलबुली सी अदाकारा है, मॉडल है, एक्टर है, प्रीति हमारे साथ है। स्वागत है प्रीति आपका। थैंक यू वेरी मच। कंचन टीवी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूँ, बता सकूँ अपने बारे में जो भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ किया है। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, वैसे तो प्रीति बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश बोलती है, बट जब हमें यहाँ पर देखा तो वो अपनी शुद्ध हिंदी पर आ गई है। हाँ, कोशिश कर लेती हूँ थोड़ा बहुत हिंदी में बोलने के लिए। एक्चुअली मैं थिएटर भी करती हूँ, मैं अस्मिता थिएटर में अभी भी थिएटर कर रही हूँ, अभी भी करती हूँ। मेरी बहुत सारी पंजाबी वीडियोज़ रिलीज़ हो चुकी है, आप मुझे देख सकते हैं यूट्यूब पर। कहा जाता है कि प्रीति काफ़ी चुलबुली सी लड़की है, तो क्या जब आप अपने शूट्स पर होती हैं, अपने इवेंट्स में रहती हैं, तब भी वैसा ही बिहेवियर रहता है या फिर थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली है इसीलिए? नहीं 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 सर, देखिए मैं जैसी रियल लाइफ में हूँ वैसी मैं कैमरे के सामने भी हूँ। आई बिलीव इन जेन्युइनिटी, मैं जेन्युइनिटी में विश्वास करती हूँ, मैं डिसेंसी में विश्वास करती हूँ, मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा। कैसे आना हुआ इस फील्ड में, अगर मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? देखिए ये मेरे बचपन का शौक है एक्टिंग करना, बस उस शौक के पीछे भागते भागते मेरा पैशन कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। अगर आप अपने कैरियर को देखें, उसका ग्राफ देखें, तो क्या संतुष्ट हैं अभी तक? जो अचीवमेंट चाहते थे क्या अभी तक पाई है, या कोई टारगेट सेट किया है, कोई माइलस्टोन रखा है कि प्रीति सिंह को यहाँ तक पहुँचना है? जी ऑफ कोर्स, मेरा जो सपना है वो बड़े पर्दे पे आना है, सिल्वर स्क्रीन पे आना है। यस, मैं गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मैं विद इन 2.5 ईयर मैंने इतना किया। मैं थिएटर भी कर रही हूँ, सॉन्ग्स में आ गई हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू, शॉर्ट फिल्में, वो मैं करती ही रहती हूँ प्रैक्टिस के लिए। बट मेरा जो सपना है वो बड़े पर्दे पे आना है। सबसे पॉपुलर सॉन्ग के दो बोल हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि सबसे पॉपुलर सॉन्ग आपका कौन सा है? मेरा सबसे पॉपुलर सॉन्ग है हूर, HOOR, हूर। आप सर्च करेंगे वो टीवी पे निकल जाएगा, आई मीन यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। टीवी पे बहुत पहले चला था जब रिलीज़ हुआ था, अब टीवी पे आप नहीं देख सकते हैं उसे, बट यस यू कैन सी ऑन यूट्यूब चैनल। यस बिल्कुल, हूर। अगर हम हूर सर्च करने निकलेंगे तो प्रीति सिंह हमारे सामने होगी। जी ऑफ कोर्स। आज आप यहाँ पर आए हैं, दिल्ली में हैं, और राइजिंग स्टार का जो इवेंट है इसके बारे क्या बताना चाहेंगे? राइजिंग स्टार प्रोडक्शन हाउस नए कलाकारों को, उभरते हुए कलाकारों को मौका दे रहा है। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऊपर बढ़ने का अवसर मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है। एंड थैंक यू वेरी मच कि राइजिंग स्टार ये पहल कर रहा है कि बच्चे आगे बढ़ें, अपना सपना पूरा करें, पैशन को पूरा करें। एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं चाहूँगा जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं, ग्लैमरस वर्ल्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कंचन टीवी के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जो भी हमारा पैशन है, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है, वो हमें ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी प्रीति सिंह। कहते हैं कि खूबसूरती अगर होती है तो उसको वो पायदान बनाकर बुलंदियों पर चढ़ते हैं, पर यहाँ पर प्रीति सिंह काफ़ी मेहनत करती हैं और काफ़ी मेहनती लड़की हैं, काफ़ी सारे सॉन्ग आ चुके हैं और बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित करना चाहती है, सिल्वर स्क्रीन पर खुद को देखना चाहती हैं, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करती हैं। काफ़ी अच्छे उनका नेचर है, काफ़ी अच्छा बिहेवियर रहता है, और कोई भी इंडस्ट्री में उनको लेके बुरा नहीं कहता, वो अच्छे ही है। और ये अच्छाई के दम पर ही वो इस इंडस्ट्री में स्थापित होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, और कंचन टीवी की भी शुभकामनाएं उनके लिए रहेंगी कि वो अपनी इंडस्ट्री में नाम कमाएं, और फिर से जब वो बुलंदियों के शिखर पर होगी, कंचन टीवी पर उनका इंटरव्यू फिर से होगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा आप कंचन टीवी के साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मैं यशपाल कंचन।